अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने कंप्यूटर विजन के कुछ लेक्चर्स को देखा, कंप्यूटर विजन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। नाउ इन दिस वीडियो हम बात करेंगे अबाउट द स्पेशल एंड ग्रे लेवल रेजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट की। जब हम कंप्यूटर विजन सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर स्पेशल एंड ग्रे लेवल रेजोल्यूशन का एक टॉपिक होता है हमारा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है आज की इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम स्पेशल और ग्रे लेवल रेजोल्यूशन को देखें तो ये क्या है, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द डिग्री ऑफ डिस्क्रीट डिटेल्स ऑफ एन इमेज, यानी कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर इमेज है, ठीक है, और हम उसको, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पर्टिकुलर इमेज है, ठीक है, इसका हम स्पेशल एंड ग्रे लेवल रेजोल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे। द डिग्री ऑफ डिस्क्रीट लेवल, ठीक है, ऑफ एन इमेज, जो कि हमारे पास हाईली डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एन और एम। यहाँ पर एन हमारे पास नंबर ऑफ रोज, ठीक है, एंड एम है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर इमेज का स्पेशल एंड ग्रे लेवल रेजोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो हाईली डिपेंड करेगा हमारे पास उसके नंबर ऑफ रोज के ऊपर और नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर, क्योंकि वी ऑल नो कि कोई भी पर्टिकुलर इमेज होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास डिफरेंट पिक्सल्स होते हैं और हमारे पास इमेज में डिफरेंट जो है वो पिक्सल्स मर्ज होकर हमारी एक इमेज बनाते हैं, जो कि हमारे पास एक्स लेवल पर होते हैं और वाई लेवल पर होते हैं। जब उन सब पिक्सल्स को हम आपस में मर्ज कर देते हैं तो हमारी एक पर्टिकुलर पिक्चर हमें नज़र आती है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें पता चली कि स्पेशल और ग्रे लेवल रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, या आप कह लो कि टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स ऑफ अर इमेज। अब यहाँ पर जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारे पास ज़्यादा होंगे, यानी जितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ज़्यादा होंगे, उतनी हमारी इमेज की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होगी। इट मीन्स ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं तो हमारी इमेज की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी है, और अगर हमारे पास कम नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं इट मीन्स कि हमारी इमेज की रिप्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर इमेज है, ठीक है, अगर हम इसमें से इसके नंबर ऑफ सैम्पल्स को रिड्यूस कर दें, यानी कि नंबर ऑफ सैम्पल्स को अगर हम रिड्यूस करें तो वहाँ पर जो हमारे पास इफेक्ट आएगा उस इफेक्ट को हम करेंगे डिस्टॉर्शन इफेक्ट। और अगर हम नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स को डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट कहलाएगा हमारे पास फॉल्स कॉन्टोरिंग इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या चीज़ क्लियर हुई कि अगर हम नंबर ऑफ सैम्पल्स को डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास इफेक्ट जो आएगा वो कहलाएगा डिस्टॉर्शन इफेक्ट, और अगर हम नंबर ऑफ ग्रे लेवल सैम्पल्स को डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट कहलाएगा फॉल्स कॉन्टोरिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर हमें चीज़ पता चली कि किसी भी इमेज की क्वालिटी को देखने के लिए हमें वहाँ पर दो चीज़ें देखनी होती हैं, उसके नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने हैं, ठीक है, और वहाँ पर नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स कितने हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सैम्पल्स और ग्रे लेवल्स ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी हमारी इमेज की रिप्रेजेंटेशन होगी, और जितने ये कम होंगे उतनी हमारी इमेज की रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी। अब अगर हम ग्रे लेवल इमेजेस की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पर उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है हमारे पास मोनोक्रोम इमेजेस, ठीक है, क्रोमेटिक इमेजेस और मोनोक्रोम इमेजेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मोनोक्रोमिंग इमेजेस जैसे कि नाम से पता चल रहा है मोनो, इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो कलर्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो कहलाती हैं हमारे पास मोनोक्रोमो इमेजेस। अगर हम क्रोमेटिक की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ जो भी RGB इमेजेस होती हैं, RGB इमेजेस हमारे पास कहलाती हैं क्रोमेटिक इमेजेस। जो मोनोक्रोमेटिक इमेजेस हैं उनको हम ग्रे लेवल इमेजेस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो कलर्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। और अगर हम लोग ग्रे लेवल इमेजेस की बात करें तो वहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं ग्रे लेवल वैल्यूज़, जबकि RGB इमेजेस की बात करें तो वहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं इंटेंसिटी वैल्यूज़, ठीक है। RGB इमेजेस के लिए हमारे पास इंटेंसिटी वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जबकि ब्लैक एंड वाइट इमेजेस के लिए हमारे पास ग्रे लेवल वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर इमेज ने कितने नंबर ऑफ बिट्स एक्वायर किए हुए हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एन इमेज कितना है। तो वो फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, वो फॉर्मूला है हमारे पास बी इज़ इक्वल्स टू एम इंटू एन इंटू के, ठीक है। यहाँ पर B क्या है हमारे पास, बिट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, M है हमारे पास नंबर ऑफ रोज, N है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, और K है हमारे पास
bid for the quantization level, bids for quantization level, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्पेशल एंड ग्रे लेवल रेजोल्यूशन का। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।